नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। देव नदी गंगा को स्वच्छ और निर्मल और विरल बनाए रखने के लिए साइकिल यात्रा। बाढ़ में देव नदी गंगा को स्वच्छ और निर्मल और विरल बनाए रखने के लिए सेना से सेनानिवृत्त हो चुके 5 सदस्य टीम और उनके समर्थकों की एक जत्था आज बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय साइकिल यात्रा के दौरान पहुंचे, जहां पर CRPF के जवान एवं NS कॉलेज के NCC कैडर के जवानों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज के प्रेक्षा गृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां अतुल गंगा मिशन को सफल बनाने के लिए निकले सेनानिवृत्त सैनिकों ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान करने का काम किया है और जब हम सेनानिवृत्त हो गए तो हमारी जिंदगी गंगा मैया के नाम है। हम लोग 27 फरवरी को देहरादून से साइकिल यात्रा करते हुए गंगा सागर की यात्रा पर निकले हैं, जहां हमारा काफिला हर जगह गंगा नदी के किनारे होकर गुजर रहा है। लोगों से रुक रुक कर हम लोग गंगा को कलछल निर्मल और अविरल बनाने के लिए गंगा किनारे रहने वाले लोगों से मिलजुल कर गंगा को स्वच्छ रखने की गुजारिश भी कर रहा हूं। गंगा के साथ साथ लोग पॉलीथीन का यही बहिष्कार करना शुरू कर दे तो प्रदूषण की समस्या भी कम होगी, क्योंकि पॉलीथीन कभी समाप्त नहीं होता, यह अमर है और अमरता का वरदान लेकर हमारी जिंदगी को तबाह करने का वीरा उठा लिया है। गंगा किनारे गंगा को स्वच्छ रखने के लिए गंगा में कचरा डालने और गंगा के पानी को गंदगी ना डालने से नहीं होगा, इसके लिए हमें गंगा नदी के किनारे करोड़ों ब्रिज लगाने की भी जरूरत है, ताकि जब सैटेलाइट से भी इसकी फोटो खींची जाए तो लगे कि गंगा पर्यावरण का माला पहने हुए है। बिहार वासियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमने सुना है कि बिहार के लोग जो ठान लेते हैं वह करके ही दम लेते हैं। अधिकारियों ने सभा को संबोधित करने का काम किया है और इस दौरान स्थानीय संगठन के लोगों ने भी भव्य स्वागत करने का काम किया। इस दौरान नारेबाजी भी होती रही। विश्राम के बाद अतुल गंगा मिशन के सदस्य मोकामा के लिए निकल पड़े। बाढ़ से ललन कुमार की रिपोर्ट, धन्यवाद। उसकी भी रक्षा नहीं कर सकते क्या? हमें उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। मैं बताता हूं आपको क्यों करनी पड़ेगी। हर एक आदमी को जिंदा रहने की अभिलाषा होती है। जिंदा रहने का मतलब मैं जिंदा हूं, इसमें कोई दम नहीं, बात में दम है। मैं नहीं, मेरे आने वाली जनरेशन, मेरे आने वाली संतति, उनकी संतति भी अगर जिंदा रहे तब कुछ बात है कि हम कह रहे हैं मैं जिंदा रहता हूँ।